प्रिय भक्त गणों, आप सभी को सादर प्रणाम। प्रिय भक्तों, आज हम आपको बताएंगे, अगर आपका मूलांक एक है तो एक मूलांक वालों का जीवन कैसा रहता है, एक अंक वालों की क्या विशेषताएं होती हैं और एक अंक वालों का भाग्योदय कब होता है। तो प्रिय भक्तों, आइए हम आपको बताते हैं एक अंक वाले का भविष्य कैसा होता है। प्रिय भक्तों, एक अंक वाला व्यक्ति मैत्री भाव रखने वाला अंक होता है, यानी ये अपना मैत्री भाव रखने वाला अंक है। एक अंक वाले व्यक्ति में उत्साह, साहस और अटूट लगन की विशेषता होती है। एक अंक वाले व्यक्ति को सामाजिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त होती है। एक अंक का स्वामी ग्रह जो होता है वह सूर्य होता है, यानी एक अंक का प्रतिनिधित्व तेजस्वी सूर्य ग्रह ही करता है। प्रिय भक्तों, इस अंक के जातक को सूर्य के समान अंधकार में प्रकाश करने वाला बनाता है। इस अंक के जातक निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। इस अंक के लोग हमेशा क्रियाशील रहते हैं। इस अंक वाले व्यक्ति के अनेक प्रशंसक और मित्र काफ़ी बड़ी संख्या में होते हैं। एक अंक वाले लोगों में गजब की नेतृत्व शक्ति होती है। इनकी प्रशंसक स्त्रियां भी अधिक होती हैं। एक अंक वाले व्यक्ति जीवन में चहुमुखी प्रगति करते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन बड़े धैर्य और साहस से उन मुश्किलों से निकल भी जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। यह व्यवहार कुशल, विनम्र और सहृदय, उदार दानी, विशाल हृदय वाले होते हैं। एक अंक वाले व्यक्ति हमेशा दानी और धर्मात्मा होते हैं। ये दूसरों की सहायता करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। एक अंक वाले व्यक्ति जीवन में हर प्रकार का सुख भोगते हैं और सुख शांति इनके जीवन में निरंतर चलती ही रहती है। एक अंक वाले व्यक्ति अनुशासन प्रिय, शांति प्रिय और न्याय प्रिय होते हैं। इनकी भगवान में बहुत अधिक आस्था रहती है। जीवन में आर्थिक संकट अधिक समय तक नहीं रहता है। अपने चरित्र की रक्षा करने में एक अंक के जातक पूर्णतः सफल होते हैं। ये निरंतर क्रियाशील रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। एक अंक के व्यक्ति रजोगुण प्रधान अग्नि तत्व से प्रभावित और वीर होते हैं। एक अंक वाले व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होते हैं। एक अंक वाले व्यक्ति इतने जिद्दी होते हैं कि अपने जीवन में भले ही टूट जाएं, लेकिन ये किसी के सामने झुकते नहीं। ऐसे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी बात पर एक बार अड़ने के बाद कभी पीछे नहीं हटते। इनमें आत्मविश्वास बहुत अधिक होता है और ये इसी के कारण सदैव विजय रहते हैं। एक अंक वाले व्यक्ति एक ही मार्ग पर, एक ही लक्ष्य पर निरंतर चलना इनको प्रिय नहीं है। वास्तव में ये व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्रता चाहते हैं और ये व्यक्ति कल्पनाओं के धनी होते हैं। एक अंक वाले व्यक्ति की एक विशेषता यह होती है कि अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। इनको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई दखलंदाजी पसंद नहीं होती है। एक अंक वाले व्यक्ति की अगर बात करें करियर की, तो इनकी सरकारी नौकरी की अधिक संभावना रहती है। प्रिय भक्तों, अब हम आपको बताएंगे कि एक अंक वाले व्यक्ति किस क्षेत्र में अपना जीवन में आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यवसाय करने वाले भी होते हैं
और ये व्यक्ति राजदूत, सेना में पद रखने वाले या फिर बड़े नेता भी होते हैं। अग्नि से संबंधित कार्यों में भी इनको सफलता मिलती है। ऐसे लोग राजनीति में भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनके जीवन में सबसे ज़्यादा जो रहता है वह सरकारी नौकरी की इनके जीवन में संभावना होती है। तो प्रिय भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि एक अंक वालों व्यक्तियों की जीवन में कभी कभी बीमारियां भी उनके पीछे पड़ जाती हैं। वो बीमारियां अधिकांश हड्डियों से संबंधित और दाहिनी आँख से संबंधित होती हैं। इनके सर में अधिकांश सर दर्द रहता ही है और ज्वर से ये लोग अधिकांश ग्रसित ही रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की यदि वैवाहिक जीवन की बात करें तो उनके वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे झगड़े होने के बाद भी इनका वैवाहिक जीवन सुखद ही रहता है। तो प्रिय भक्तों, आज हमने आपको बताया एक अंक वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, यानी एक मूलांक वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। प्रिय भक्तों, अब हम आपको बताएंगे यदि आप का मूलांक एक है और आप अपने जीवन में सुखी नहीं हैं, आपको किसी न किसी प्रकार से परेशानी होती ही रहती है, तो अब हम आपको बताएंगे एक ऐसा उपाय जिससे आपकी परेशानियाँ समाप्त होंगी और आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो प्रिय भक्तों, सबसे पहला उपाय तो ये है, आप नित्य सुबह उठकर एक लोटा जल सूर्य देव को चढ़ाएं। और इससे भी अच्छा ये होगा कि आप एक लोटे में थोड़ी सी रोली ही मिलाकर जल चढ़ाएं। इससे आपके जीवन का दुख संकट दूर होगा। और दूसरा उपाय यह है कि अगर आप अपने जीवन में अपने पिताजी के साथ अपने संबंध मधुर रखते हैं तो यह भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है, क्योंकि सूर्य ग्रह पिता का कारक होता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पिताजी की सेवा करें। और इसमें तीसरा उपाय सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बजरंगबली की उपासना करें। बजरंगबली की उपासना में आपको एक बहुत ही सरल विधि बता रहे हैं। सुबह को स्नान के बाद में आप उगते हुए सूरज की लालिमा के सामने आप बैठकर श्री हनुमान चालीसा का, हनुमान अष्टक का, बजरंग बाण का पाठ करें। इससे आपके जीवन की सभी परेशानियाँ समाप्त होंगी और आपका भाग्योदय होगा। तो प्रिय भक्तों, ये थी कुछ खास जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।